रामलीला। हाँ रामलीला पर था। हाँ और विजय दशमी के दिन उसका रावण वध और इस तरह की उसकी कथा का ही उस रामलीला ही प्रमुख था उसमें। हाँ रामलीला जो कार्यक्रम होता था वही प्रमुख था हमारे। हाँ कोई और कुछ और एनीथिंग टू कंट्रीब्यूट एनीबडी। रामलीला कथा के रूप में होता था नाटक के रूप आज भी होता है आज भी रावण वध होता है उसीलिए आज कर रहे हैं हम। आप कुछ और कोई और कुछ बोल रहा था बीच में सर। हमारे इधर दीपोत्सव होता है। हाँ मतलब कि हमारे इधर जितना भी इष्ट देवता है उनको हम दीप आरती करते हैं। हाँ दीपोत्सव के रूप में जय जय ठीक है। हरे कृष्ण ओ महियान तिमिरान दस्य ज्ञानांजन चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोदीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सारदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणनन्दनतां श्रीशाकान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषराय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे वाल्मीके मुनिसिंहस्य कवितामनचारिणं शृण्वन् रामकथादातं को नयाति परां गतिं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्चलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकं नुल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं चक्षोकवनिं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहलङ्कार नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलिं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं अग्रे वाचयति प्रभाञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलं रामं भजे श्यामलं श्रीरामचन्द्र भगवान् हरे कृष्णा। तो आज हम रामचंद्र भगवान से आज मैं कम बात करूंगा आप सब लोग के सुनने की इच्छा है। तो आज जितने भी जो भी हैं देखिए इसका एक माहौल देता हूं बैकग्राउंड क्या है। ब्रजभूमि जो है 600 साल पहले क्या था बहुत अच्छा प्रभु बोल रहे जंगल था। तो 600 साल पहले क्या था उसमें कुछ भगवान का जो भी मुख्य लीला का स्थली सब लुप्त हो गए थे या? किसी को कुछ पता नहीं है पर यही 600-700 साल पहले अयोध्या का परिस्थिति कैसे था अयोध्या में कुछ लुप्त नहीं था। अयोध्या पूर्ण रूप से प्रकट था सबको देखने के लिए। और भारत भूमि में देखो घर घर की कहानी कृष्ण की कहानी है घर घर की कहानी राम की कहानी है। घर घर में जो गूंजती थी वो राम की कहानी थी। यस महाभारत का लीलाओं का सब लोग ये वो बहुत समझते हैं कि नहीं पर रामलीला तो सब समझते थे। यस और अयोध्या जो स्थली थी ये मुगलों का
उधर आकर सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तब तक अयोध्या जो था वही एक मुख्य तीर्थ स्थली थी जिधर सब लोग जाकर भगवान को नमन करते। तो ये बात समझते हुए हमें समझना है कि राम का गूंज जो है, राम का नाम जो है, राम का लीला जो है, वो सुन सुनकर उसी से हम लोगों ने अपना संस्कृति सीखा। राम जैसे जीते थे, दशरथ जैसे पिता रहे, दशरथ जैसे बहू के लिए सास रहे, इस तरह हमें जीना है। माता कैसे रही तो कौशल्या, भाई रहना है तो लक्ष्मण। तो इस तरह हमने हमारा पूरा संस्कृति रामायण से सीखी हुई है। यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम आज उस राम का स्मरण करेंगे, उस रामायण का स्मरण करेंगे और उस राम लीला में जो भी जुड़े हुए हैं उनका स्मरण। इधर का हर एक से विनती है दो शब्द बोले एक दो मिनट के अंदर। तो आज इच्छा है कि सबसे सुने, तो अभी वासुदेव प्रभु प्रारंभ करेंगे, इसके बाद जयंत बोलेगा, फिर प्रभु जी द होस्ट वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। शुभा इज देयर, हरि बोल प्रभु, मी टू विल गो पूरा भ्रमण करके एवरीबॉडी। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को प्रणाम। पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली जो प्रिपेयर किया था वो अंग्रेजी में किया था, तो अब मुझे जो लिखा था वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा खुद के पास। तो पहले तो मैं आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ इसमें स्नान प्रभु का और सुभाषी माता जी का, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि हम भगवान श्री राम के बारे में कुछ उनकी लीला है, उनकी कथा, और वो हमको कैसे प्रेरित करते हैं, उनको शब्द बोलूं मैं। तो जब मैं पढ़ रहा था और मैं प्रभु के थोड़े क्लासेस सुने हैं और जब राम नवमी होता है तो लेक्चर सुने हैं, तो एक थीम होता है हम पकड़ते हैं कि भगवान श्री राम इस गुण में संपूर्ण है, इस गुण में संपूर्ण है। तो मैं एक गुण जो है के बारे में चर्चा करूँगा, वो है उनका भक्तों के प्रति और जनरल जो क्राउड है उनके प्रति उनका व्यवहार कैसा था। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि लोगों को आपस में, इवन भाई बहन हो या पति पत्नी हो, उनके ज़्यादा टाइम नहीं होता है एक दूसरे के लिए, वो अपने में ही बिजी होते हैं, काम में और दूसरे चीज़ों में। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं कि जो बेसिक है हमारे परिवार में, या जैसे हम इस्कॉन में ले रहे हैं, हम वक्त भी इतना टाइम नहीं, हम लोग दूर से, जैसे आज ही मैं प्रभु से बात कर रहे थे कि हम वक्त कैसे हैं, बस हरे कृष्णा बोल के हाँ ठीक आप टेक कैसे हैं ठीक है बस, उतना ही ज़्यादा करके रिश्ता होता है। तो भगवान श्री राम की कथा में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री राम जो हैं वो हमेशा अपने भक्तों के लिए वो उनको क्रेडिट देते थे कि आप भले वो कार्य करें बट वो हमेशा दिखाते थे कि हाँ भाई आप बहुत महान हैं। तो जैसे हम पहले देखेंगे कि जब हनुमान जी जो हैं वो जब पहले देखेंगे कि भगवान जो हैं वो संपूर्ण हैं, जब माता सीता का हरण हुआ और जो उनका अंश था जो रावण के पास गया माता सीता का, तो फिर भगवान राम चाहते थे, वो तो सबके हृदय में रहते हैं, वो तो जानते थे माता सीता किधर हैं, तो पर वो क्या किया उन्होंने, वो गए ढूंढते गए, फिर सबसे पूछा विभीषण से, हनुमान से, वानर सेना से किधर है, क्या मेरी मदद करेंगे। उनको ज़रूरत नहीं थी, जो सबके अंदर जो सब वानर के अंदर है वो हृदय में तो भगवान ही है, उनकी वजह से ही ये सब चल रहे हैं। तो उनको पता है वो एक क्षण में रावण को हरा के आ सकते थे, बट नहीं, उन्होंने क्या किया, वो उनको चाहिए था कि मैं अपने भक्तों के साथ थोड़ा एसोसिएशन करूं, उनका संग करूं और उनके साथ मिलके ये लीला कंप्लीट करूं। और दूसरी जब होता है, जब वो ढूंढते हैं माता सीता को और हनुमान को बोलते हैं आप जाओ, और जब हनुमान पूरा अशोक वाटिका डिस्ट्रॉय कर देता है रावण का, और रावण को दिखाता है उनका
कि वो एक अकेला कितना शक्तिशाली है, तो बोलते थे कि आप सोचो भगवान श्री राम कितने शक्तिशाली है, उन्होंने पूरा लंका का तहस नहस कर दिया। हाँ, और फिर वो वापस आए तो भगवान राम क्या बोलते हैं, वो गले लगाते हैं हनुमान को, बोलते हैं आप अगर आप नहीं होते मेरा, आपके वजह से ये सब हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उनको करने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी उनका सेवक है, वो ऐसे बोलते हैं हनुमान जाओ ये करके आओ, वो कर सकते थे और थैंक यू बोलने की जरूरत भी नहीं थी। और हनुमान सोच रहे हैं अरे मेरे भगवान श्री राम मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, हाँ उनके वजह से मुझे ये शक्ति है, उनके वजह से मैं इतना कूद सका, मैं ये सब कर सका, और वो मुझे ही धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये रस होता है भक्तों के बीच में, और यही है भगवान श्री राम दिखाते हैं कि हमारे भौतिक संसार में हम अपने रिलेशनशिप्स में हमारे जो दोस्त हैं मित्र हैं जो भी हैं उनको हमेशा जताते हैं अरे जयंत मैंने आपके लिए ये किया था आपको याद है, अब आप मेरे लिए ये करो। भगवान श्री राम ऐसे नहीं करते थे, भगवान श्री राम हमेशा क्रेडिट अपने भक्तों को देते, भले वो ही हैं मास्टर सबके, पर वो हमेशा जो क्रेडिट देते हैं वो हमेशा अपने भक्तों के लिए करते हैं। और इसी से वो सिखाते हैं कि ये अहंकार अगर है हमारे पास, तो भगवद गीता में आता है अहंकार विमुद आत्मा, कि हम जीव जो हैं हमेशा इस अहंकार में रहते हैं कि हम कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली वो तीनों गुणों में फंसे हुए हैं और उनके स्वामी जो है वो भगवान है, तो वो ही करता है, हम सोचते हैं हम करता है। तो भगवान श्री राम जो अपने एग्जाम्पल से बताते हैं कि कैसे हमें हम्बल होना चाहिए, कैसे नम्र होना चाहिए। तो एक और एग्जाम्पल है कि वो कैसे अपने भक्तों को उनको अच्छा लगता है कि वो भक्त के साथ थोड़ा सेवा करे और भक्त उनका सेवा करे। तो जैसे ये बैटल जब वो लंका गए तो इंद्रजीत ने वो जो स्नेक वाला बाण चढ़ाया, सांप वाला बाण चढ़ाया और भगवान और लक्ष्मण और राम को घेर लिया, कुछ नहीं था, भगवान एक फूंक मारते थे सब चले जाते ना, और ऐसे थे। और इंद्रजीत बोल रहा है खत्म, मैंने उनको खत्म कर दिया, अभी क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं है। और ठप से फिर गरुड़ आते हैं और गरुड़ उनको भगा देते हैं और उनका नाश करते हैं। और गरुड़ जानते हैं, तो गरुड़ अहंकार में नहीं है, वो जानते हैं मेरे यही स्वामी है, बोलते हैं धन्यवाद भगवान श्री राम आपने मुझे ये सेवा का अवसर दिया, मुझे ये सेवा करनी थी कि मैं रामायण में आपके क्या कैसे सेवा करूं, तो उन्होंने ये सेवा का अवसर दिया। और जैसे हम भगवान श्री कृष्ण में देखते हैं तो वो कैसे फिर उनका कैसा व्यवहार था अर्जुन के साथ, वो सारथी बन गए, वो अर्जुन की सेवा करने लगे। तो ऐसे ये है भगवान का रस, वो चाहते हैं कि वो सिखाते हैं कि हम जीव जो हैं हमें जो हमारे रिलेशनशिप्स है हमारे जो परिवार है मित्र हैं उनके हम कैसे व्यवहार करें। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। हरे कृष्णा, पहले तो मेरी भी हिंदी वासुदेव प्रभु से ज़्यादा बेकार है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ सबने। जैसे वासुदेव प्रभु ने बोला, मैं भी प्रभु माता जी वासुदेव प्रभु खुद उन सब का आभार हूँ, और मेरे मम्मी पापा को जिनने मुझे प्रेरणा दी कि रामायण जैसे विषय के बारे में जानना, भगवान श्री राम का भक्त बनना, तो मैं जो भी हूँ आज उन सब की वजह से हूँ। जैसे कि अभी हमने वासुदेव प्रभु से सुना एक भगवान राम की एक अनोखा भाव सुना, जैसे वो काफ़ी भक्तों से घुल मिल कर रहते थे। भगवान राम की हम लोग एक और वो देखेंगे जहाँ उनने वादा किया उनके भक्तों से, जो उनने वादा पे खड़े रहे, जो भी उनको सरेंडर, जो भी उनकी शरण ले लेता था, उनसे वादा करते थे कि मैं हाँ तुम्हें बचाऊँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं कि रामायण में सीता मैया वो भगवान शिव का जो बाण होता है वो 5 साल की उम्र में उठा लेती है, और धनुष 5 साल की उम्र में उठा लेती है और क्लक करती है फूलों को इसी। बट जब शायद जब वो वनवास चले जाते हैं, रावण जैसे
हरण कर लेता है, वो बचाओ बचाओ चिल्लाती है, वो हेल्पलेसनेस का भाव दिखाती है। बट जो इतना बड़ा धनुषाली उठा सकता है और रावण जैसे मामूली राक्षस का वध नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। बट हमारे शास्त्र कहते हैं कि इसलिए मैया सीता ने किया ताकि वो दिखाना चाहती थी कि अगर हम लोग भगवान के सामने भगवान का शरण ले लें तो बिना कोई टेंशन किए हम लोग बच सकते हैं। उनने दिखाया कि मैं भगवान के, मैं कुछ नहीं कर सकती और वो पूरे भगवान पे निर्भर थी। एंड बिकॉज शी वॉज फुली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड विथ ऑल ऑफ हिज पावर ही केम एंड रेस्क्यूड मैया सीता। उन्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर मैया सीता को बचाने आ गए। तो भगवान का ये जो वादा है कि जो जो मेरी शरण लेगा मैं उसे ज़रूर बचाऊँगा। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे अनेकों रीजन्स थे कि भगवान ने इस धरती पे जन्म लिया। एक रीज़न ये था कि डेमीगॉड्स ने कहा, बाकी भगवानों ने कहा कि मुझे आपसे एसोसिएट करना है, तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है। साधुओं ने कहा मुझे राक्षस से बचाव चाहिए, रक्षा चाहिए, तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है। कुछ शास्त्र ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी ने कहा कि मुझे आपको पर्सनली सर्विस करने को कभी नहीं मिलता है वैकुंठा में, हमेशा कोई ना कोई तो होता है ये सर्विस करने के लिए आपके साथ या मेरे साथ, तो मेरे को पर्सनली आपका सर्विस करना है। भगवान ने कहा हाँ ठीक है वो भी कर लेंगे। अब जब भगवान की मैया सीता के साथ शादी हो जाती है तभी भी अयोध्या के लोगों के लिए इतना प्यार था भगवान राम के लिए, वो 24/7 कहते हैं वो भगवान श्री राम के साथ थे, उनकी सेवा कर रहे थे। तो एक दिन मैया सीता ने कहा कि अरे इधर भी मेरे को मौका तो मिल ही नहीं रहा है, आपको याद है ना हम किस के लिए आए थे इधर। तभी भगवान श्री राम ने का ये वनवास हुआ और वो 14 साल मैया सीता के साथ रहने गए। हम कहते हैं कि वो मंत्र के वजह से गए वो वनवास, ये वो पहले, ये तो भगवान के बस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यंत्र है, अदरवाइज बिकॉज वो अपने भक्तों की खुशी देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये वनवास कर लिया। और ये सब भगवान की जो लीला है ये सब सुनकर हम लोग इतने शुद्ध होते हैं। इसके बारे में रामायण में युद्ध कांड में भी लिखा हुआ है, कहा जाता है कि जो भी इसको रोज सुनेगा वो सब उसके जो भी सब डिज़ायर्स होंगे वो पूरे होंगे, बट एट द सेम टाइम वो सब सिंस वो सब पापों से भी धुल जाएगा। भागवतम में कहा गया है कि जो भी ये रामायण के बारे में सुनेगा वो एक शुद्ध भक्त बनेगा, और शुद्ध भक्त भगवान के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे वासुदेव प्रभु ने कहा कि कैसे भगवान अपने वानर सेवना पे डिपेंडेंट थे, हाउ द लॉर्ड वॉज डिपेंडेंट ऑन हिज वानर सेवा, सिमिलरली भगवान इन शुद्ध भक्त की सेना पे डिपेंडेंट है। इस शुद्ध भक्त के थ्रू ही भगवान चाहते हैं कि वो हर एक आत्मा को अपने पास वापस बुला लें। यूजिंग दिस दिस आर्मी ऑफ द प्योर डिवोटीज ही वॉन्ट्स टू रिटेन ऑल ऑफ हिज सोल्स बैक टू गॉड हेड। तभी इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन जैसा मूवमेंट का निर्माण किया है, और विनती है कि आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा हर रामायण सेशन में, हम सब साथ में भगवान की शरण लेना चाहेंगे और उनके भक्त बनना चाहेंगे। जय जय रामचंद्र भगवान की जय। I'll give you a few minutes, Prabhu, after you. Hemant? So, first of all, I would like to thank all the devotees, and especially the Mother Ji, for the honor of this place. पहला लीला कि भगवान हमारी हर छोटी छोटी जो हमारे प्रयास है, जो एफर्ट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। उसके बारे में मैंने सुना है कि जब राम सेतु बन रहा था तो सभी बड़े बड़े बानर
बड़े बड़े पत्थर लेके उसमें डाल रहे थे और हेल्प कर रहे थे, तो वहाँ कुछ गिलहरियाँ थी, वो भी छोटा छोटा जो अपने पास से उठा उठा के रख पा रही थी वो उस पर रख रही थी। तो किसी वानर सेना से किसी ने बोला कि आप साइड हट जाओ नहीं तो आपको चोट लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो उस पर भगवान आए और भगवान बोले कि जो ये कर रहा है, जो ये इतना एफर्ट डाल रहे हैं उनको करने, तो वो भी उनकी सेवा है। तो भगवान हम जो भी छोटा बहुत जो भी कर सकते हैं भगवान के लिए, भगवान उसको ध्यान में रखते हैं। और एक दूसरी लीला जो भगवान की जो है वो जब विभीषण ने सरेंडर किया, जब विभीषण भगवान के पास सरेंडर करने आए तो भगवान उनको बैठाए, राज्याभिषेक हुआ रुकी, तो उन्होंने बोला कि आपने राज्याभिषेक कर दिया और अगर रावण आपके पास आके सरेंडर कर दे तब क्या करेंगे आप। तो उस पर भगवान ने कहा कि अगर रावण आके मुझे सरेंडर कर दिया तो ठीक है, तो रावण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो भगवान की महिमा जो है बस बहुत महान है, भगवान हर चीज़ को। तो ये दो तो छोटा सा चीज़ जो मुझे स्पेशली समझ में आया, सरेंडर और अपना छोटा मत जो भी प्रयास हो सके हमें जारी रखना चाहिए और भगवान हर चीज़ ध्यान देते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। हम साउथ इंडियन हैं तो हमारी हिंदी बहुत सिंधी से अच्छा है। मैं कोशिश करूंगी हिंदी में बात करने के लिए, अगर फ्लो नहीं हो पाया तो मैं इंग्लिश में, प्लीज आपका परमिशन चाहिए कि मैं इंग्लिश में बात करूं। आई एम सो ग्रेटफुल टू लॉर्ड रामा, क्योंकि हमारे जो हस्बैंड एंड वाइफ की ये जो रिश्ता है, प्रभु के रामायण शुरू होने के बाद और स्ट्रेंथ बढ़ गया है। That's something I am grateful to Lord Rama for, क्योंकि उसके पहले हम हमेशा सोचते थे कि इस संबंध में अफेक्शन नहीं होना चाहिए, you know, कोई भी है इस दुनिया में किसी से संबंध नहीं रखना चाहिए, सब कुछ डिटैच 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 यही सुन रहे थे हमेशा। और फिर देख रहे हैं कि भगवान श्री राम कैसे उनके पिताजी से कितने अफेक्शनेट हैं, उनके माता से कितने अफेक्शनेट हैं, टू द एक्सटेंट जिस माता ने उनको कहा कि आप वन में चले जाओ, उस माता पे भी उनका अफेक्शन इतना है कि जब सेज वशिष्ठा इज सेइंग दैट शी इज रॉन्ग, तब भी भगवान बोल रहे हैं कि उन पे कोट नहीं है, ये ठीक है चलेगा, राइट। एंड थ्रू आउट आफ्टर दैट वनवास में जाने के बाद भी भगवान बहुत मिस कर रहे हैं, और जब सीता के साथ वन में है लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि सीता के साथ जाओ और उनको जो चाहिए, पेड़ में जो फ्रूट्स है फ्लावर्स है जो भी चाहिए उनको लेके देना। फिर सीता मैया को बोल रहे हैं कि पहले जब सीता मैया बोलते हैं कि मैं भी जाऊंगा जाऊंगी आपके साथ वन में, वो बोल रहे हैं कि इधर आपका जो भी कंफर्ट है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी वन में, आप यहाँ इतने कंफर्ट में रह रहे हो, उधर जाके आपको ड्राइड लीव्स जिसमें सांप होगा जिधर शेर होगा इसमें तो नहीं रह पाएंगे आप। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं आप जिधर हो वो मेरे लिए अयोध्या है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो वन में जाने के बाद लक्ष्मण को बोलते हैं भगवान कि सीता के लिए जो बिस्तर बना रहे हो, उनका जो रहने का जगह बना रहे हो केयरफुली बनाना चाहिए, ये चीज़ लेके आओ इससे बनाओ, उनका खुद का प्रॉब्लम नहीं है पर सीता मैया को इतना केयर दे रहे हैं और सीता मैया को डिफरेंट नाम पे बुलाते हैं हर बार अफेक्शनेटली, राइट। और जब गुरु के पास जाते हैं और कोई भी किसी से भी मिलते हैं भारद्वाज मुनि से और किसी से भी मिलते हैं राम जी, सबसे सीता जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं
मतलब इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये मेरी बीवी है एंड शी इज सो इम्पोर्टेंट टू मी दैट यू शुड नो हु शी इज. हल्या से मिलते हैं, गौ से मिलते हैं और भरद्वाज मुनि से मिलता को इंट्रोड्यूस करते हैं मेरी बीवी है और उन बीवी के बारे में बहुत सारे प्रेजेस अप्रिसिएशन की ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं बहुत सुंदर ही है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. सो मेनी थिंग्स टू से दैट एवरी रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट एंड उसका ड्यू कनेक्शन या इम्पोर्टेंस देना चाहिए. तो ये राम जी से मैंने सुना था प्रभु जी से जो भी क्लासेस देते थे एंड आई थिंक दिस इज वॉट आई हैव taken personally that the Lord is ये जो भी अवतार है बाकी के अवतार में we would never see. Of course in Krishna Leela we do see that Narad Muni जब भगवान की शादी होने के बाद उनके सब महलों में जाके देखते हैं एक महल में उनके पत्नी का बाल बनाते हैं कृष्ण जी एक जगह पे एक महल में बच्चों बच्चे को खिला रहे हैं और दूसरे महल में उनकी बीवी के साथ खेल रहे हैं शतरंज ये भी करते हैं पर ये बहुत छोटी सी एक एक चैप्टर में यू नो पूरे इतने सारे चैप्टर से खाली एक चैप्टर में छोटी सी चीज़ आती है कि भगवान को नारद मुनि जाके देखा कि ये 16,100 पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं और बस वो एक ही चैप्टर में ख़त्म हो जाता है. पर ये रामायण में पूरा का पूरा वी गेट टू सी भगवान मैया के साथ कैसे थे उनके पास पिताजी के साथ कैसे थे और लक्ष्मण जी के साथ कैसे थे और सीता जी के साथ कैसे थे. ही हैड पर्सनल रिलेशनशिप विथ ईच वन. तो ये चीज मेरे लिए बहुत मुख्य है एंड आई थैंक फॉर द अपॉर्चुनिटी. रामचंद्र भगवान की जय. हेम रूप प्रभु इफ यू आर देयर लाइक टू हियर फ्रॉम यू. हरे कृष्णा. कैन आई कैन यू गाइस हियर मी. हरे कृष्णा. यस प्रभु वी कैन हियर यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा बोलिए प्रभु. हरे कृष्णा. सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम. सॉरी मैं वहां पे आ नहीं पाया ऑफिस से लेट हो गया तो मैं सोचा यहीं से ही कर लूंगा सम्यदाम. और ये जो रामायण क्लास चल रहा है 2017-18 से ये जो क्लास है हमारे मेरे जीवन का एक मुख्य भाग बन गया है और बहुत बहुत धन्यवाद हिज ग्रेस नंद कुमार प्रभु का जो ये हमारे जीवन में लाए हैं. भगवान श्री रामचंद्र के बारे में जितना भी बोलो जितना भी सुनो इससे तुष्टि पूर्ति नहीं होती. वो ऐसे अनंत काल तक चलते रहे ऐसे ऐसे ख्याल आता है. और ऐसे भी बहुत सारे दिन थे जो हम वेट करते थे कि अब ये दिन आएगा तो हम जाएंगे या जूम पे बैठ के रामचंद्र जी के बारे में सुनेंगे क्योंकि ये सिस्टमेटिक ये जो एक लीला बाल लीला के बाद अयोध्या लीला अयोध्या कांड के बाद अब किस किंगडम जा रहे हैं तो इतना डिटेल में सुनने के बाद इतना उसके बाद में फिर रिवीजन भी हुआ. तो जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजामि हम तो कैसे लीला करते हैं हमको वो ये श्लोक तब समझ कैसे वो परित्राणाय साधु नाम कैसे वो साधुओं की रक्षा करते हैं विनाशाय चतुष्कृताम. और उसके बाद में फिर भगवद गीता का और एक श्लोक आता है जो हम इतना सारा तो हम बोधयंत परस्परम होता है तो तुष्यंती च रमंती च तो हम वो जो आनंद में आते हैं उसका बोलना ऐसे बहुत कठिन है लेकिन उसके लिए हम सबको इस क्लास में आना बहुत जरूरी है. और ऐसे मेरी जो फेवरेट लीला है अब तक और भी बहुत सारे ऐसे तो होंगे आगे
रामचंद्र जी की लीला, लेकिन जब हम अयोध्या कांड में है, बहुत कठिन है ये सोचना कि कैसे, कि एक तरफ जो है रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो रहा था और हम लोग ने इतने सारे इतना डिटेल में गए वाल्मीकि रामायण में कि कैसे उनका तैयारियां हो रही थी, कैसे पूरा अयोध्या झूम उठा था, सारी तैयारियां रेडी है, सारे जो वहाँ पे जो गुरु हैं वो जो आचार्य हैं सब तैयारी में लगे पड़े हैं, और पीछे एक कहानी हो रही है जहाँ पे कैकेयी जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि मुझे वो जो आपने दो वर दिए है उसको मैं अभी चाहती हूँ, एक तो भरत का राम जी का वनवास और भरत का किंग जो राज्य अभिषेक होगा, तो उसके बारे में दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन होती है, जो बातचीत चलती है वो भी बहुत ही तीव्र है, उसमें उनके फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ बोला गया है, रामचंद्र जी के पूर्वज के बारे में कितने महान थे और वो एक पूर्वज के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीजें हमको पता चली। फिर उसके बाद में मेन चीज ये थी कि जब रामचंद्र जी को बोला गया कि अभी आप जो है वनवास बिताना है, या आपके पिताजी ने मुझे ये बोला, तो वो एकदम से मान जाते हैं, तो इतना कठिन है कि एक साइड से आपका राज्य अभिषेक हो रहा है और आपको बोला जाता है नहीं भाई आपको अभी वन में जाना, तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते और वो खुशी खुशी वन में जाते हैं। उसके बाद कैसे वो अपनी माता जी के पास जाते हैं, उनको मनाते हैं कि आपको यहीं रहना है क्योंकि वो बोली मैं भी आपके साथ जाऊंगी, फिर वो सीता मैया के पास जाते हैं उनको मनाते हैं कि आपको नहीं चलना, लेकिन सीता मैया उनको बोलती नहीं मैं तो आपके साथ जाऊंगी, तो वो पूरा एक कैसे धर्म के बारे में कि माता को बोलते नहीं आपको अपना धर्म निभाना है, फिर पत्नी को कैसे समझाते हैं, तो पत्नी बोलती नहीं मुझे धर्म मेरा धर्म है आपके साथ रहूं, तो मान जाते हैं और वो भी जो परस्पर है बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में लक्ष्मण जी का शॉर्टकट हो जाता है, उसने बोला नहीं मैं चलूंगा। उसके बाद में पूरे जब राज्य में ये बात फैल जाती है तो कैसे एक हाहाकार मच जाती है, वो जैसे जो जो हमने जैसे हफ्ते हफ्ते भी सुना तो ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल हमारे सामने है, ऐसे ऐसे लगा। तो हाँ उसके बाद में भी पूरा जो राज्य है और बहुत सारी आगे जो उसकी कहानी है वो जाते हैं और फाइनली रीचेस, वो बहुत ही सुंदर, मुझे ऐसे आंख में भी नम हो गई, और स्पेशली जो धृतराष्ट्र का स्थिति थी वो एक क्षत्रिय होने के बावजूद, एक राजा होने के बावजूद कैसे फिर गिरते हैं, कैसे उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर जब वो रोकते हैं तो रामचंद्र जी ने बोला नहीं आप चलो, यू नो यू हैव टू लीव, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, यू नो यू हैव लेस्ट है। तो सबसे विनती है कि ये रामचंद्र जी की कथा जो वाल्मीकि जी हम चल रहे हैं उसे अटेंड करें और एक आनंद का अनुभव करें। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हरे कृष्णा, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हिमांशु प्रभु, एंड माता जी, एनीबडी एल्स ऑन जूम? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, यस प्रभु एंड माता जी प्लीज। आज शुचि थोड़ा बोलेंगी तो। हरे कृष्णा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज सच बताऊं तो आज मैं पहली बार किसी सत्संग में कुछ बोल रही हूं, और ये दिस इज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी जो एक सत्संगियों से ही मिल सकती है। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने दो यंगस्टर्स को सुना बोलते हुए रामचंद्र जी के बारे में, जयंत प्रभु जी और वासुदेव प्रभु जी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये यंगस्टर्स हैं जो इतना रस ले पा रहे हैं रामचंद्र जी के कथाओं में, और इतने उनकी बातें सुन के, सबकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, बट यंगस्टर्स स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट कि इतने प्रेम से, इतने प्यार से उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में बोला है। रामचंद्र जी के बारे में अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे जीवन के आधार रामचंद्र जी ही हैं, और आई डोंट नो व्हाट टू से, पर रामचंद्र जी इतने करुणामय है, इतने करुणामय भगवान है, उन्होंने वनवास स्वीकार क्यों किया, वो हर हर्ष के साथ स्वीकार क्यों किया, क्योंकि उन्हें वन जाके अपने भक्तों को दर्शन देने थे, वो पैदल पैदल वन में चले और एक एक भक्त के पास गए, खुद उनके द्वार पे पहुंचे और उनको दर्शन दिए, चाहे वो
रास्ते में गांव के लोग थे जो चलते हुए गांव से दौड़ दौड़ के आते थे, उनके दर्शन करके जाते थे, चाहे वो ऋषि थे, चाहे वो केवट थे, चाहे वो वानर थे, चाहे वो राक्षस थे और चाहे वो पशु पक्षी थे। उन्होंने वन जाना स्वीकार ही इसलिए किया कि उनको अपने एक-एक भक्त को जाके दर्शन देने थे, जिन्होंने कितने कितने जन्मों की तपस्या की थी, और उनकी तपस्या का फल देने के लिए वो खुद नंगे पैर कांटे लेते हुए, सब दुख सहते हुए, जिसको हम दुख कहते हैं, जो उनके लिए कोई दुख नहीं है, पर हम समझते हैं दुख है। गर्मी, सर्दी, वर्षा, सब प्रकार की आंधियां, सब कुछ सहते रहे। उन्हें तो मच्छरों ने भी बहुत काटा, उन्होंने खुद मुंह से बोला है कि वर्षा ऋतु खत्म हुई, मच्छरों का कहर खत्म हुआ, मच्छरों ने भी उनका खूब खून चूसा है। तो वो सब कुछ सहा उन्होंने, जिससे कि एक-एक जीव को, यहाँ तक कि लताएं, वृक्ष, जो घास के तृण जो उनके पैरों के नीचे आए होंगे, उनका भाग्य देखिए कि भगवान ने उनको क्या सेवा दी थी। और उनकी करुणा की तो क्या बात कहें भगवान की। जब वो चित्रकूट जा की तरफ जा रहे थे तो उनको बहुत कांटे चुभ रहे थे, पृथ्वी के जितने कांटे थे उनको चुभ रहे थे। तो उन्होंने सारे कांटे लिए और फिर पृथ्वी को आदेश दिया कि अभी पीछे मेरा भक्त आएगा, मेरा भरत आएगा, उसको कोई कांटा नहीं चुभना चाहिए, मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सारे कांटे खुद सह लूंगा। और उसके बाद जब लक्ष्मण जी उनके कांटे निकालना चाहते थे तो वो उनको मना कर देते थे, और वो हर रोज निकालना चाहते थे रोज मना करते थे। तो उन्होंने सीता माता से कहा कि देखिए भगवान के इतने पैरों में कांटे चुभे हुए और वो निकालने नहीं देते, तो आप उनसे बात करिए। अब जब सीता माता उनके कांटे निकालने लगी तो उन्होंने उनको भी रोक दिया कि नहीं, कांटे नहीं निकालना मेरे पैरों से। तो सीता माता ने पूछा क्यों, क्या बात है, लक्ष्मण भी यही कह रहे हैं और आप कांटे नहीं निकालने दे रहे। तो भगवान कहते देखो, जिसने मेरी शरण ले ली है उसको मैं नहीं त्याग सकता, और चाहे वो कांटे ही हो पर मेरे शरण में जो आके वो मेरे शरण में ही रहेगा, उसको तुम छूना मत बिल्कुल भी। तो ये हमारे करुणामय भगवान है, भगवान श्री राम है। और क्या कह सकते हैं उनकी करुणा की। विभीषण जी उनके पास आए और विभीषण जी आए, उन्होंने कहा कि मैं राक्षस हूं। कहते तो क्या हुआ, कहते मैं तो तमोगुण से भरा हुआ। कहते तो क्या हुआ, तुम तो मैं तो सिर्फ भाव देखता हूँ, और तुम जैसे भक्त तो मुझे बहुत बहुत प्रिय है। और मिलते ही उनका राज्याभिषेक कर दिया कि तुम लंका के राजा हो। सुग्रीव ने उनके साथ भूल गया था, सुग्रीव भूल गया था भगवान को, सुग्रीव को अपना राज्य मिल गया किष्किंधा का, भूल गया, पर भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। क्यों, क्योंकि शरण में आया उसको थोड़ा सा डरा दो, और जो शरण में आया उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको संभालूंगा, सब कुछ करूंगा। तो ये हमारे भगवान श्री राम के करुणामय रस है जो थोड़ा सा मैं बोलना चाह रही थी। और क्या कह सकते हैं उनके बारे में। थोड़ा भगत भगत के बारे अरे थैंक यू प्रभु, कैन बी इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज गो अहेड। में प्रभु जी, वैसे तो जो शुचि ने कहा है, भगवान राम तो हमारे आधार ही हैं। बचपन से, जब से हम शायद मैं प्रॉब्ली 4-5 साल का रहा हूँगा, तब से रामायण हाथ में है, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि हम लोग उसको पढ़ पाए हैं और बच्चों को भी वो दे पाए हैं, और बच्चे भी रोज पढ़ते हैं। और जब से आपके एसोसिएशन में आए तो हमने गीता भी पढ़नी शुरू कर दी है, एंड आज सब लोग भक्त लोग बैठे हैं। तो मैं एक बात सबके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपने कहा बोले कि जब मैंने ज्वाइन किया इस्कॉन, जब मैं आने लगा तो मुझे राम से प्यार था, और यहाँ सब कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, जबकि मुझे कृष्ण से भी उतना ही प्रेम है, क्योंकि हम लोग तो पैदाइश हमारी दिल्ली की है, और हर हर छुट्टी में, हर हमारे घर का जो कार्यक्रम होता है वो वृंदावन में ही होता है, और हम लोग माथुर हैं। हमारे कहा जाता है जो बिहारी जी हैं वो माथुरी हैं, तो हम तो इतने उनको प्रिय मानते हैं, लेकिन रामचंद्र जी से हमारा एक अलग सा ही प्रेम है। तो मैं जाता था जगह पे, तो हम लोग कहते थे कृष्ण, और रामचंद्र जी को नीचे कहा गया तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने प्रभु जी से कहा कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो इन्होंने मेरे गले में हाथ डाल करके मुझसे कहा, हिमांशु ये बुर्ज खलीफा देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहते हिमांशु, इसकी 123 मंजिल या 124 मंजिल में कुछ फर्क है क्या, यहाँ से कुछ फर्क दिखता है? मैंने कहा नहीं। तो
तो कहते हैं जिसने राम का नाम ले लिया उसकी तो प्रेम की अथाह ही नहीं है, आप तो बस राम को ही फॉलो करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए। और धीरे 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 राम का नाम लेते हो, कृष्ण तो अपने पास है ही। तो आपने जो मेरा एक जो मेरा मार्गदर्शन भी किया ना, एंड दैट हैज मेड मी क्लोज कम टू यू एंड आई, आप बहुत बड़े हैं लेकिन मैं आपको अपना फ्रेंड समझता हूँ, मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, आपका सखा समझता हूँ, जिससे मैं अपनी हर मन की बात कर सकता हूँ। और मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी रास्ते पे, आध्यात्मिक रास्ते पे हूँ, तो मेरे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों, तो वो आपने क्लियर किए, तो राम ने मुझे आपके पास लेके आए हैं। तो आज ये इतना अच्छा मौका मिला है कि हम लोग रामचंद्र जी के बारे में बात कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। मेरा मानना ये है कि हम सबके सामने ये भी कहना चाहिए कि हमें भी रामायण उठा करके पढ़नी चाहिए, और रामचरितमानस में जो रामचंद्र जी का जो चरित्र का उन्होंने व्याख्यान किया है वो तो कमाल है। एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इतना रसमय है, इतना प्यार है उसमें, जो कि मतलब आप जब जब पढ़ते तो आंखों से आंसू बहते ही बहते हैं, इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। और एक एक करेक्शन मैं ज़रूर करूँगा, वन ऑफ आर यंगस्टर्स डेट से कि वो गरुण जी आए थे और उन्होंने सेवा करी। अगर हम लास्ट चैप्टर में जाएंगे तो गरुण जी को अहंकार हो गया था कि मैंने कैसे, मैंने ये, अगर ये मनुष्य तो मैंने इनका तो बंधन मैंने काटे हैं, तो फिर वो कालभूषण जी किसी के पास जाते हैं और उनकी पूरी जो जो उनकी जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है या उनके जो मन में जो विचार आए थे, जो डाउट आए थे, वो फिर कालभूषण जी ने उनके पूरे किए। तो उन्होंने उनके, तो वो जो लास्ट चैप्टर में उन्होंने जो व्याख्यान किया है ना रामचंद्र जी का, शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं और काकुशंडी जी गरुण जी को बता रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया प्रसंग है। तो रामचरितमानस रामचंद्र जी के बारे में तो जितना बोले उतना टाइम कम पड़ जाएगा, बट थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब श्री राम जी जंगल में जा रहे हैं और ऋषियों के पास, तो वो हमेशा अपना आर्मर कैरी करते हैं ना, तो अंदर जाने के पहले उन्होंने अपना आर्मर भी लूज किया, धनुष को। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और याद नहीं आ रहा है इतना, बट श्री राम भगवान मुझे बहुत प्यारे हैं, पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप में से कोई एक वो कुछ बोल रहा है, मूव इट क्लोजर टू द पर्सन। हरे कृष्ण, हाय। सुभाष प्रभु, या प्लीज। हरे कृष्ण, या धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट रीच्ड होम, सो मैं उधर आना बहुत चाहते थे मगर नहीं हुआ। सो मैं जस्ट आई विल ट्राई टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स इफ यू अलाउ। हरे कृष्ण, कृपया। मैं करीब एक साल से उधर आ रहा है प्रभु, आपका क्लास में आने का सौभाग्य मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि रामायण इतना डिटेल्स में, इतना इंट्रिकसीज ऑफ द गेम आप इतनी अच्छी तरह से समझाया, एंड आई रियली फील ब्लस्ड। एंड जब आप छुट्टी पे जाते हैं और जब वेन देर आर नो क्लासेस ऑफ रामायण, मुझे एक्चुअली बहुत निराशा होता था, गुस्सा भी आते थे, बीइंग वेरी हॉनेस्ट टू यू। सो प्रभु जी, जस्ट आई वुड लाइक टू से फ्यू पैरेलल्स ऑफ लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा। मेरा कोई योग्यता नहीं है फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं आप सब भक्तों को एक सवाल पूछना चाहता है, वो ये है, अगर कृष्ण भक्त और राम भक्त दोनों के बीच में एक संवाद हो जाएगा तो कौन जीत जाएगा? कोई भी बता सकते हैं, जयंद और हरि प्रेम प्रभु। एक भक्त जीतेगा। भक्त जीतेगा। ये आंसर ये है, जो ऑडियंस जो है, जो सुनने वाला, वो लोग जीत जाएंगे। तो दो भक्त, एक का नाम है कृष्णदासा
और दूसरा भक्त है उसका नाम है रामदास। तो दोनों के बीच में एक मजेदार संवाद हो रहा है, हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो कृष्णदासा बोल रहे हैं कि मेरा जो भगवान है कृष्ण, वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है भगवद गीता में मेरा प्रिय भक्त कैसा होना चाहिए और स्थित प्रज्ञ कैसा होना चाहिए। जैसा कि वो बोले समा शत्रु ज मित्र जा तदा मान अपमान, तो ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से भगवान एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सुन के रामदासा बोल रहे हैं, अच्छा तो हमारा जो भगवान है राम जी, वो तो बोला नहीं है लेकिन ये सब दिखा के दिखा रहे। तो लॉर्ड राम इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल दिस क्वालिटीज, जैसा कि उनका जो त्याग है, उनका इक्वानिमिटी, ह्यूमिलिटी, दया, जो भी चीज है, और अपना जो जो जिंदगी में जितना भी तकलीफ आए हैं वो सब भगवान स्वयं उसका सब सामने किए हैं। तो अगेन जो कृष्णदास है सेइंग, मेरा जो भगवान है कृष्णा, उनका जो चाइल्डहुड पास टाइम से बाल लीला बहुत ही मजेदार है, सभी भक्तों को बहुत बहुत आनंद होते हैं वो सुन के, और कई सालों से और आगे भी कई भी सालों तक ऐसा आनंद होते रहेंगे। जैसा कि पूतना का वध किया, तृणावर्ता, शकड़ासुरा और जो भी लीला किया है, ये सब इतना मजेदार है, इसलिए मेरा जो भगवान है वो लीला पुरुषोत्तम है। तो ये सुन के हमारा रामदास सा बोल रहे, नहीं मेरा जो भगवान का कोई चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स के बारे में कहीं में भी इतना ज्यादा लिखा नहीं है, लेकिन मेरा भगवान का जो पास्ट टाइम शुरू होता है वनवास के टाइम, तपोवनादिगमनम, वहां से शुरू हो जाता है मेरा भगवान का जो भी जो पास्ट टाइम्स है। और जो मेरा जो भगवान का जो पास्ट टाइम्स है वो अलग ही होता है। तो कृष्णदास पूछ रहे वो कैसे, बोले आपका जो भगवान है कृष्णा, उनका कौन सा लीला है हम अनुकरण कर सकता है, या किसी से यशोदा मैया से झूठ बोलना, या मटकी तोड़ना, या काड़िया के ऊपर डांस करना, रास लीला करना, ये सब संभव है, ये सब आम आदमी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हम भगवान कृष्ण का जो जो शिक्षा है वो हम ले सकते हैं उनका वर्ड्स, बट उनका लीला का अनुकरण नहीं कर सकते। लेकिन आप हमारा राम जी का देखो, उनका जो भी एक्शन है, जो भी वर्ड्स है, ये शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार, भगवान ने स्वयं कष्ट उड़ाया, अपना फैमिली का त्याग किया, परित्याग किया, दया दिखाया, ये सब भगवान स्वयं दिखाया है। तो और कोई भी मानव जो है ये पूरा जिंदगी में अपना कर सकता है और फॉलो कर सकता है, इसलिए हमारा जो भगवान है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है और मेरा जो भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक है, फिर कृष्णदास बता रहे, अच्छा ठीक है, देखो हमारा जो भगवान है वो द्वापर युग में आए हैं, और हमारा जो भगवान है हमेशा जो प्यार है कर्तव्य से अधिक प्यार दिखाया, मतलब लव ओवर ड्यूटी। तो हमेशा भगवान प्यार भरा हुआ है कि जो नंद बाबा से, यशोदा मैया से, गोपाला से और राधा राधा रानी जी से, भगवान इतना प्यार में कभी कभी मग्न हो जाता है कि अपना जो धर्म है, अपना जो ड्यूटी, वो भी भूल जाता है। जैसा कि नारद मुनि को आके उसको याद दिलाना पड़ता है, ये भगवान जी आपको अभी देवकी और वसुदेव की रक्षा करना है, ऐसा होता है। तो रामदासा उनका जवाब में दे रहे, बोल रहे हैं कि हमारा जो भगवान त्रेता युग में आए हैं, और भगवान हमेशा प्यार से ऊपर कर्तव्य को माना है और उनका शिक्षा दी है। जैसा कि भगवान अपना जो पिताजी से, या अपना जो माताजी से, अपना भाई लोगों से, अपना धर्म पत्नी से और प्रजा से कितना कितना प्यार करते थे, लेकिन जब वक्त आते थे भगवान हमेशा अपना कर्तव्य को, जो बहुत उच्चतम माना जाते हैं, और वही शिक्षा हमको दिया हुआ है। अच्छा तो इसका इसका जो तो जो कृष्णदास पूछ रहे आपका जो बोलने का मतलब क्या है, तो जो रामदास बोल रहे हैं जो त्रेता युग में कर्तव्य को ज्यादा ध्यान दिया है और भगवान ने वो दिया है, लॉर्ड राम जो है उसका एक सिंप्लीफिकेशन है, और द्वापर युग में जो माधुरी लीला या जो भी प्यार है उनके लिए। तो आपको पहले रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है एक अच्छा भक्त बनने के लिए, इसका मतलब वही हो जाता है। जब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा जो इस संसार में रह के हम जो ड्यूटी कैसे निभाएगा,
जो समाज के साथ, हमारे परिवार के साथ और हमारा जितना भी भक्ति लोग उसके साथ, और वो फाउंडेशन जब बनेगा, रामायण का जो प्रिंसिपल है, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ रामायण शुड बी द बेस लाइन ऑफ आवर लाइफ, देन वी विल बिकम ए ग्रेट डिवोटी। देन उसके बाद अब जो माधुर्य रस है, जो प्रेम भक्ति है, भागवतम है, दैट विल टेक यू टू ए डिफरेंट लेवल। ओके, तो आखिरी में कृष्णदास बता रहे कि मेरा जो भगवान है हमेशा डिटैचमेंट में रहते हैं, भगवान सबके साथ बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी भी गायब हो सकता है, एक वैराग्य भाव है, कभी भी वो डिटैच हो जाएगा। तो दो राम जो रामदास वो बोल रहे मेरा भगवान है हमेशा अटैचमेंट में है, अटैचमेंट इन द सेंस राग में है, अपना पिताजी से, अपना जो परिवार से, प्रजा से, सबके साथ राग करके, मतलब जैसा ही एक ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में कैसे जी सकते हैं, सबके साथ रेगते हुए भी वही जो उसका एग्जाम्पल का स्थापना किया है। और लास्ट में जो कृष्ण दास बोल रहे हैं मेरा भगवान बोला है आप अगर आपको माया से भेजना है तो मेरा ही शरण में आओ, और मऊ माया दुरत्या, इसलिए हम सबको तो माया को छोड़ के भगवान का शरण में जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है आपका जो भगवान है राम, राम जी, वो तो माया जो दानव है, वो जो हिरण है उसके पीछे भाग रहे है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो रामदास बोल रहे कि भगवान ये मारीच के पीछे भाग रहे है, इसका मतलब ये है कि लॉर्ड रामा इज नॉट सेइंग भगवान राम हम सबको ये नहीं बता रहे आप माया को छोड़ो और मेरे पास आओ, ये बोल रहा है कि माया के साथ अब रहते हुए भी अगर आप मेरा भक्त का या मेरा संघ में आएगा तो मैं वो जो माया है उसको पीछे जाके उसको मारूंगा और आपका रक्षा करेंगे, यही, और आपका लिबरेशन प्रदान करेंगे। बस इतना ही है प्रभु, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। एक वो चीज समझने के लिए जो आपने जो सीखा, जो प्रयास किया वो एक है, दूसरा पर उसको इतना सुंदर तरह से एक ड्रामा जैसे आपने बना के वो जो कॉन्सेप्ट जो है इतने सुंदर तरह से आपने प्रेजेंट किया, इट इज जस्ट फैंटास्टिक। बस एक चीज बोलना चाहता हूँ इस संबंध में, भागवत में आपने जो बात बताया कि रामायण जो पढ़ता है वो उस स्तर पर, उस स्थिति पर पहुंचता है जिधर से वो आगे जाकर माधुर्य लीला और आगे वाली जो चीज है वो समझ पाने में उसको वो सामर्थ्य होगा। ये तो सत्य है, भागवत में भी शुकदेव गोस्वामी जब बताते हैं तब परीक्षित को बताते हैं कि मैं ये रामायण के बारे में जब बोल रहा हूँ मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत विस्तार से और बहुत बार रामायण ऑलरेडी श्रवण कर दिया, इसका मतलब क्या है कि जो भागवत श्रवण करता है उसका प्री क्वालिफिकेशन है पहले रामायण समझे, राम को समझे और मर्यादा कैसे का पालन कैसे करें वो व्यक्ति समझेगा, इसके बारे में बाद में उसको कृष्ण का लीला वो समझ सकता है, नहीं तो उसमें वो सामर्थ्य और कैपेबिलिटी नहीं रहता है। बहुत सुंदर प्रभु, हरे कृष्ण, हरे श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण, सबसे पहले प्रभु का आभारी हूँ कि किसी सत्संग में पहली बार बोलने का मौका मिला है, थोड़ी एजिटेशन हो रही है पर हमारे श्री रामचंद्र भगवान के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, कुछ उतना मेरे पास नॉलेज भी नहीं है और योग्यता भी नहीं है कि मैं दो शब्द बोल पाऊँ, जितना हो सकता है मैं बोलिए दो शब्द। भगवान श्री रामचंद्र को, रामचंद्र जी भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी कहा जाता है। तो जैसे सुभाष प्रभु भी अभी कुछ बताए, अभी बताए थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, तो श्री रामचंद्र जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम
कैसे मर्यादा में रहते हुए उत्तम कार्य किए, तो वो चीज आज के समय में हम लोगों को उनके पद चिन्हों पे कैसे चल सकते हैं, किस तरह से उस कार्य को कर सकते हैं, एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो कुछ कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन। तो भगवान श्री रामचंद्र जी वचनों को, जो अपने पिता के जो वचन दिए थे उसको कैसे निभाया, खास करके आज के समय में हम अपने माता पिता का सही ढंग से अगर देखें तो सम्मान नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान ने उन वचनों को, जान उधर 14 साल तक कितने कष्टों में रहे भगवान, उन वचनों को कैसे निभाया, ये हमारे लिए सीखने की वो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है शिक्षा। तो वो दो चीज हमें उनसे सीखना चाहिए खास करके। और एक जैसे भाई का प्रेम, तो लक्ष्मण जी जब भगवान वन में जाते हैं, तो जहाँ तक मैंने सुना है, मैं जैसे पहले बताया कि मैं उतना नॉलेज भी नहीं है, तो जहाँ तक मैंने सुना है कि भगवान जब वन में जाने को तैयार होते हैं तो लक्ष्मण जी वहीं से चले जाते हैं, और उनकी जो पत्नी है उर्मिला, उर्मिला जी उनके स्वागत के लिए थाल लेकर के दरवाजे पर खड़ी रहती है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं जाते हैं। तो वो वैसे भाई, वो भाई के प्रति उनका इतना स्नेह, वो एक बार भी अपने पति पत्नी के पास नहीं जाते हैं। तो आज के समय में भाई भाई का प्रेम वैसा नहीं है, खास करके बहुत जगह हमारे यहाँ भी, चाहे हर जगह में देखते हैं, धन दौलत के लिए भाई भाई का एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार रहता है। तो वो सब शिक्षाएं खास करके हम लोग को रामायण से मिलती है, और शुरू से हम लोगों ने हमारे यहाँ, चाहे हमारे माता पिता का सौभाग्य है कि हम लोग को रामायण के बारे में 2 शब्द बताया है या पढ़ते भी हैं, तुलसीकृत रामायण जो है हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, जितना नॉलेज है उतना मैं जानता हूँ। तो आज के समय में ये सब शिक्षाएं हमको मतलब उनसे लेना चाहिए, जो कि हम लोग ले नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है हम लोग नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण श्री रामचंद्र भगवान। कोई और प्रभु? और YouTube में कोई और है तो कृपया बताइए, Zoom में कोई और है जिसको बात करना है तो कृपया बताइए, प्रभु के बाद आप थोड़ा कृपया कुछ बोलिए। यहाँ उपस्थित समस्त भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं 2 लाइन राम स्तुत का सुनाऊंगा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी। मैं माँ सेवरी के चरित्र का थोड़ा वर्णन करूँ। माता सेवरी का जब शादी तय हुआ तो उनके यहाँ जंगली जानवर वो लोग लेके आए अपने बारात में आने वाले मेहमानों को खिलाने के लिए। तो माता सेवरी की जो सखी थी वो बोली कि अरे तुम्हारा शादी होने वाला है, देखो कितना जानवर लोग लेके आए हैं, वो सब काट के लोगों को खिलाएंगे। तो माता सेवरी बोली कि भाई जब हमारा शादी होने वाला है, ये तो मंगल कार्य है, शादी होने के पहले यदि इतने जीव का वध हुआ तो फिर इसमें मंगल कहाँ से है। तो वो अपने परिवार को बिना बताए वो घर से भाग गई, घर से भाग के वो चली गई मतंग मुनि के पास। तो मतंग मुनि जी के पास वो जाके उनसे गुरु दीक्षा ली। बाद में जब मतंग मुनि वैकुंठ जाने लगे तो ये बोली कि गुरुदेव आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो मतंग जी ने कहा कि सबरी तुम यहाँ इंतज़ार करो, तुमसे मिलने के लिए भगवान यहाँ आएंगे। तो सबरी माता 80 साल सुबह शाम प्रतिदिन रास्ता को बहारती है, वहाँ फूल बिछाती है, जंगल से फल मूल लेके आती हैं कि हमारे भगवान आएंगे,
उसको खाएंगे। तो बहुत दिन दिन 80 बरस इंतजार करने के बाद प्रभु राम उनसे मिलने के लिए आते हैं, आके उनका जूठा बैर भी खाते हैं और उनको अपने धाम में जगह देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भक्ति में यदि विश्वास है तो भगवान का धाम निश्चित है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कोई और है जिधर जो कुछ रामचंद्र के बारे में बोलना चाहता है? आइए आइए आगे आइए। Anybody on Zoom who wants to speak, please write a message and we'll work accordingly. Hare Krishna, सभी लोग माता जी और प्रभु जी को प्रणाम। मुझे मौका मिला, मैं भी आता हूँ, आप लोगों का बराबर मैं भी सुनता हूँ, जाता भी हूँ। बात भगवान राम की है तो भगवान राम के बारे में तो हम बता नहीं सकते। हरि हमारे यहाँ कथा है और लोग बोलते भी हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव हिशु नहीं सब विधि संता। मतलब कि इनकी कथा इतनी अनंत है और भगवान इतने अनंत है जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते। रही बात भक्ति की, तो भक्ति के बारे में हम बता सकते हैं भक्त कितने प्रकार के होते हैं और भक्त कैसे होते हैं। हम भी भक्त हैं, भगवान भी भक्त हैं, सब भी भक्त हैं। लेकिन भक्त एक बार की बात है, भगवान ये हनुमान जी और अर्जुन एक पास बैठे थे, उन्होंने आपस में चर्चा की कि भक्त कैसे होते हैं। हनुमान जी पूछे अर्जुन से कि भक्त कैसे होते हैं। बोले भाई भक्त तो हम हैं, हनुमान जी बोले भक्त मैं भी हूँ। अर्जुन जी बोले भक्त मैं भी हूँ। बोले नहीं, मैंने भगवान की सेवा की। बोले मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ कि भगवान ने मेरा रथ हाँका, भगवान ने मेरा सेवा किया, रथ हाँका, मैं भी भक्त हूँ। बोले नहीं आप भक्त। बोले मैं भी भक्त हूँ। बोले नहीं मैं भी भक्त हूँ। बोले ठीक है। बाद में ये बात भगवान को पता चली कि भाई भक्त तो हमारे दोनों हैं, और अगर ये दोनों के बीच में विवाद हो गई तो फ्यूचर में कोई क्या बोलेगा कि किसको श्रेष्ठ भक्त किसको माना जाएगा, हम किसको मानेंगे। अर्जुन जी भी हैं और हनुमान जी भी हैं, इसका निष्कर्ष कुछ निकालना पड़ेगा। बाद में भगवान राम एक दिन, एक बार की बात है, भगवान राम दोनों को बुलाए, ये बोले कि आज हमारे साथ आपको भ्रमण करने चलना है दंडक वन में। भगवान दंडक वन का तो कोई हमारे पास प्लान नहीं है घूमने का। बोले नहीं आज हम मन कर रहे हैं चलेंगे घूमने। अर्जुन जी को लिए, हनुमान जी को लिए भगवान, बोले चलेंगे। बोले बोले भाई क्या है। बोले ठीक है भगवान हम चलते हैं। बाद में भगवान गए दंडक वन, जाने लगे दंडक वन। जाते जाते समय संध्या हो गई, भगवान सुबह लेके गए, बाद में संध्या हो गई। चलते 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 दंडक वन नहीं आ रहा है। बाद में हनुमान जी पूछे भगवान दंडक वन तो 16 कोस था लेकिन हमारे हिसाब से हम 25 कोस चल गए, दंडक वन नहीं आ रहा है। भगवान रास्ता हम भटक गए हैं, आएगा दंडक वन। बाद में अर्जुन जी बोले भगवान अब मुझे चलने की शक्ति नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्यास भी लगी है। बाद में भगवान बोले इधर रास्ते में कुछ नहीं है, रास्ते में तो कुछ नहीं मिलेगा, दंडक वन में अगर कुछ व्यवस्था हो फल फूल का तो का तुम कुछ पा सकते, इधर तो कुछ नहीं है, आपको और चलना पड़ेगा। बाद में भगवान लेते लेते गए, फिर संध्या हो गई, थोड़ी रात्रि हो गई। रात्रि के बाद जो ही भगवान दोनों को लेके जंगल के अंदर गए तो बिजली तड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। भगवान की लीला थी, दोनों शुरू हो गई और जंगल में इतनी तेज बिजली तड़कने लगी, बरसात भी शुरू हो गई। बाद में दोनों को छिपने का जगह नहीं, भगवान से पूछे भगवान अब हम क्या करें। भगवान बोले जंगल में हम क्या कर सकते हैं, किसी वृक्ष के टहनी के नीचे छुपते हैं। बोलते भगवान ही तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि कोई मतलब नहीं है। बाद में बोले फिर जंगल में तो कुछ नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं देखे कुछ मिले। बाद में दोनों लोग और थोड़ा अंदर गए, और थोड़ा अंदर जाते गए जाते गए, भीगते गए। बाद में वो सर बारिश और तेज होने लगी और हवा भी चलने लगी ठंडी, अब उनको ठंडी लगने लगी। बोले भगवान अब तो असंभव है इधर खड़ा रहना। हनुमान जी बोले प्रभु बहुत असंभव है इधर खड़ा रहना, अब क्या करें। बोले थोड़ा और आगे कुछ देखते हैं। बाद में उनको कुछ आगे थोड़ी एक रोशनी दिखाई दिया। बाद में हनुमान जी बोले भगवान आगे कुछ रोशनी दिखाई दे रहा है, शायद कुछ है इसमें। बोले ये नितांत वन में कुछ मिलना असंभव है, फिर भी आप लोग बोलते हैं तो हम चलते हैं। बाद में और आगे गए, देखे कि ये कुटी है, टूटी फूटी झोपड़ी है। बाद में बोले प्रभु ये झोपड़ी लगता है कोई सन्यासी है। बोले ठीक है चलिए। बाद में वो लोग गए,
उसका द्वार लगा था, छोटा सा द्वार था, बंद नहीं था, उसमें क्या घास फूस का जैसे गांव में बनाता है ना, अभी पतवार का थोड़ा सा बनाया था, कुटी थी। बाद में वो लोग गए, उस एक आदमी खोले, कोई सन्यासी नहीं, एक आम आदमी खोले डोर, बोले भाई हम लोग आए हैं भगवान। फिर बाद में भगवान ने कहा कि हम चल तो रहे हैं, लेकिन हम किसके पास चल रहे हैं हमको पता नहीं है। चलने से पहले हमको ना भेष चेंज करना चाहिए, हम अपना रूप बदल लेते हैं, ब्राह्मण के भेष में चलते हैं, क्या पता हमारा भेष पहचान के कोई आप लोग को या हमको पहचाने नहीं, भाई कौन है इस वन में। तो उन्होंने रूप चेंज किया, ब्राह्मण का रूप धर के तीनों गए। बाद में अंदर जाने के बाद उसने दरवाजा खोला, बाद में उन्होंने कुटिया के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, वो देख रहे हैं कि वो कुटिया में कुछ जगह नहीं बचा, पूरा पानी नीचे आ रहा है, एक कोना बचा है, एक कोना थोड़ा नहीं आ रहा है। बाद में तीनों ही खड़े हो गए, बाद में चुपचाप खड़े हैं, बारिश तेज हो रही है, बिजली कड़क रही है, हनुमान जी भी, अर्जुन जी अपना सब नीचे किए हैं, भगवान भी शांत है, हनुमान जी इधर उधर थोड़ा नजर दौड़ा रहे हैं, कुटिया तो है, कुछ भोजन मिल जाता है, कुछ देख रहे हैं, कुछ है क्या देखने, कुछ दिखाई नहीं। ऊपर देखे, ऊपर देखे, कुटिया के ऊपर दो बाण था, दो बाण रखा हुआ है उसके अंदर, ऊपर रखा हुआ कुटिया के ऊपर दो बाण है। बाद में देखिए वो बाण बहुत पुराना लगता है, मतलब कि उनके हिसाब से वो कितने साल का है उनको कोई उनकी गिनती नहीं है, अनगिनत अनगिनत सहस्त्र साल पहले, कितने साल का है, पूरा जंग लगा है। बाद में वो इशारा कर रहे हैं अर्जुन जी को, ऊपर अर्जुन जी को, अर्जुन जी भी देख रहे हैं। बाद में वो भगवान को ऐसे इशारा कर रहे हैं, उनके मन में इच्छा जागृत हुई, मतलब लेकिन ये तीनों आपस में डिसाइड, ये पूछे कौन, वो भगवान को कर रहे हैं इशारा कि आप पूछिए। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, उनको हनुमान जी वो बोले नहीं नहीं ये इनको बोले आप पूछो। तीनों आपस में गुप्तगु रहे धीरे धीरे, मगर प्रश्न ये है कि पूछे कौन, उस आदमी से, उस भक्त से पूछे कौन जिसने उनको समझ लिया बांध क्या है। बाद में वो लोग, इनकी जिज्ञासा बढ़ती गई बढ़ती गई, भगवान बोले ठीक है पूछ रहा हूँ, तुम शांत रहो। बाद में वो पूछे कि आपका कुटिया इतना मतलब है दयहीन है, आप इतने कितने साल से हमको पता नहीं, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, इसमें बहुत सारे जानवर आते हैं, बहुत सारे इस कुटिया में आप नितांत रहते हैं, कुछ भी साधन नहीं है उस जानवर से आपकी रक्षा के लिए, डोर भी ओपन है, तो फिर ये दो ये किस लिए रखे हैं। बाद में वो भक्त बोले भगवान, वो बोले पंडित जी आप ब्राह्मण हैं, आप क्यों ये सब सवाल करते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। बोले नहीं मेरे मन में इच्छा आ रही थी, आप थोड़ा बता देते क्या है। बोले नहीं 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 आपको नहीं बता, छोड़िए अभी बारिश कम हो गया, आप जाइए, अब मेरा दिमाग मत खराब, मेरे मन में थोड़ा है, थोड़ा बता देते दो बाढ़ है किस लिए है, बहुत जंग लगा हुआ है, हमारा जिज्ञासा है, इसमें कुछ लगा है, बोलो इसमें जहर लगा है। तो बाद में बोला कि ये मैं दो बाढ़ रखा हूँ, एक हनुमान के लिए और अर्जुन के लिए, अगर वो कहीं दिखाई दे तो बोलो मेरे को पक्का मारेगा, उनको जान से मारेगा, उनके लिए। बाद में वो भी दोनों उधर ही है, बाद में भगवान को बोल रहे हैं इशारा, बोल रहे हैं भाई भेद मत खोलिएगा कि हम ही दोनों हैं। बाद में बोले क्यों, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है। बोले उनसे हमारी दुश्मनी है कि इन दोनों के वजह से हमारे भगवान को बहुत कष्ट आना पड़ा, इनके हम के कारण एक बार ये दोनों युद्ध कर लिए, ये दोनों इतनी विशाल युद्ध कर लिए जिसकी कोई सीमा नहीं थी, इन इन दोनों के लिए भगवान को कच्छप अवतार लेना पड़ा, हमारे भगवान को अवतार लेना पड़ा इनकी सेविंग के लिए, और इन्होंने अपनी पूरी बाहुबल और पूरी सृष्टि का बल इतना डाल दिया कि मेरे भगवान के मुंह से ब्लड आ गया था, पूरे भगवान इन दोनों के वजह से हमारे भगवान को इनकी रक्षा इनकी पीठ पे करनी पड़ी इन दोनों को बचाने के लिए, क्योंकि एक बार बोले कि मैं हूँ मेरे में ताकत है, ये बोले मेरे में ताकत है, अब भगवान किसकी हेल्प करें, इसलिए उन्होंने कच्छप का अवतार लेकर इन दोनों को सेव किया, और उनकी वजह से भगवान को बहुत कष्ट हुआ, अगर वो दोनों मिलेंगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बाद में बारिश बंद हो गई, पूरा उजाला आ गया, बोले ठीक है अब हमको आज्ञा दीजिए हम चलेंगे। बोले नहीं नहीं आप हमारे ब्राह्मण अतिथि हैं, बिना खाए कैसे भेजेंगे। बाद में थोड़ा जो कुछ भी रुका सो खिलाए, बाद में जंगल से बाहर लेके आए, भेष चेंज किए, बाद में हनुमान और अर्जुन दोनों पैर पे गिर गए। बोले भगवान हम तो भक्ति नहीं है, भक्त तो वो है जिसने की सहस्त्र वर्ष से हमारा इंतजार कर रहा है, आपका भक्त वही है, वही है। कहने का मतलब कि भक्त कौन, भक्त क्या है, किस रूप में, हम नहीं बता सकते। हरे कृष्ण जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।
गुप्त को हरे कृष्ण. सो one point which I want to speak about is Lord Rama's choice of words. We all know that once we hurt somebody by our words, that is more deep than hurting somebody physically. So Lord Rama बाण से तीखा शब्द उसके बारे में. So Lord Rama knows that Kaikeyi was behind the reason behind Lord Rama had to go to forest, but still Rama didn't hurt anyone by his words under any circumstance. So Lord Rama went to forest for two reasons. One was to fulfill his father's promise, and the second reason was Kaikeyi Priyakara. So the next was to fulfill Priya of Kaikeyi. That was the reason why, even though he knew that she was the reason behind all this, he didn't speak anything that hurts her under any circumstance. तो भगवान को कैकेयी के कारण जाना पड़ा, पर जब भी बताते हैं हम इधर क्यों आए, तो बताते हैं पितु, because पिता का आज्ञा था, और कैकेयी या प्रिय कारणात, कैकेयी का जो जितना प्रिय था मेरे लिए, उस कारण से मैं इधर आया हूँ, तो बता रहे. And in connection to this, I want to speak about Lord Rama's tolerance, how he tolerates, how what all he had to go through. So one is that when Dasharatha knew that Lord Rama was going to forest, he knew that he can't live without Rama for even one day. So that was the affection that he had for Lord Rama. But when Lord Rama also knew that Dasharatha can't live without him, but still he decided to go to the forest, and he knew that it was kicking his mind all the while he was moving, and he knew that Dasharatha would, it was more very painful for Dasharatha. So he only went because he had to keep Dasharatha's words. He wants to keep the promise of his father. But Lord Rama did not. He knew that he would lose his father, but still he wanted to go and stand for the dharma and principles. And in your translation. तो दशरथ को भी पता था कि वो एक दिन राम के बिना रह नहीं सकते. राम को भी पता था कि वो अपना पिता के बिना बहुत प्रिय हैं पिता उनके लिए, पर दोनों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए, धर्म का रक्षा करने के लिए, अपना वचन का पालन करने के लिए एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा, और एक इनका स्मरण में गुजर गए, और बाकी अपना दूसरा जो है उनका सतत चिंता में बाकी समय बिताया राम ने. And once Lord Ram told Hanuman that he can live without Sita, but he can never live without Lakshmana. Because from birth they have been like twins all the time together. So he was so attached to Lakshmana that he can't live without Lakshmana, but he can definitely live without Sita. So this was the attachment and bond between Rama and Lakshmana. So there was a conversation once between Lord Yamaraj and Lord Ram. So this conversation was there, but the condition was that whoever interrupts this conversation, that person will be killed. So somebody to guard this conversation, there is nobody except Lakshmana who can do this job at its best. So Lakshmana was guarding at the door, and this conversation was going on. So Durvasamuni walked in, and he's known for his anger. So Durvasamuni wanted to meet Lord Ram. So if Lakshmana didn't allow, he sensed the danger that if he curses something, and it would affect Ayodhya, and it would affect Lord Rama's life. So Lakshmana decided that his life was not so important than the welfare of the people in Ayodhya, and also Lord Rama's life. So he walked in and interrupted the conversation that
Lord Rama, he told that Durvasamuni wants to meet you. Seeing this, Lord Rama knew that, so he knew that whoever interrupts this conversation had to be killed. And after all this happened, Lord Rama took that decision or for that principle that, okay, even if it is Lakshmana, who was very dear to him, Rama told from his own mouth, you have to commit suicide. And that was a deep separation for him, because see, he could live without Sita, but he can't live without Lakshmana. But for the Dharma or for the principles, he had to take this decision. तो बताते हैं कि हनुमान को बताते हैं राम कि मैं सीता के बिना की भी रह जाऊंगा और लक्ष्मण के बिना मैं तो रह नहीं सकता, युद्ध कांड में होता है। तो फिर ये बताते हैं कि लक्ष्मण एक बार जब यमराज आए थे राम से बात करने के लिए, उत्तरकांड की बात, तो तब लक्ष्मण को उन्होंने बताया आप द्वारपाल बने रहो, किसी को अंदर मत छोड़ना, किसी कुछ डिस्टर्ब ना करे कोई। पर दुर्वास मुनि आ गए थे, लक्ष्मण को अपना परवाह नहीं था, देश की और अयोध्या की और अपना रघुकुल की परवाह थी, इसलिए उन्होंने वो तो पता था कि उनको मरना है, तब भी आ गए राम को मिलने के लिए, दुर्वास आए हुए हैं। तो फिर राम को ये लक्ष्मण को ही त्यागना पड़ा। तो राम न सिर्फ अपना बीवी को त्यागा, पिता को त्यागा, लक्ष्मण को त्यागा, सब अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए ये सब करना पड़ा। हरे कृष्ण, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओके, वी विल हैव टू कीप इट फॉर द नेक्स्ट सेशन। हरे कृष्णा। ओके, हे अभी विनती है जो रहते हैं हमारे साथ और जो लोग यूट्यूब जूम में हैं, और 4-5 मिनट दीजिए, दो और लोग को बोलना है आज, एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज। हरे कृष्ण, 5 मिनट की समय दीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय राम जी की आप सबको। इतने सारे भक्त वैष्णवों ने बात की, श्री राम जी के बारे में वचन बोले, सब सुनकर बड़े खुश हुए, मन बड़ा खुश हुआ। और आज दिन भी इतना अच्छा है कि इतनी बढ़िया बारिश हुई कि उन्होंने हमारे मेघाश्याम श्री हरि भगवान की याद दिला दी। जो कथा मैं सुनाना चाहता हूँ वो मेरा सबसे पसंदीदा कथा है रामायण रामचरितमानस है, वो ये है कि रामचंद्र जी का अवतरण कैसे हुआ। तो मनु और शत्रुपा जी तपस्या कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे थे, और बड़ी कड़ू मतलब तपस्या कर रहे थे, कड़ी तपस्या कर रहे थे। और कहा जाता है कि या लिखा गया था कि बहुत सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए और उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर आकाशवाणी होती है भगवान की। तो जब आकाशवाणी होती है तो मनु और शत्रुपा जी कहते हैं कि भगवान अब अपने निराकार रूप में क्यों आए। तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुमने अपने हृदय में कोई रूप नहीं धारण किया मेरा। तो फिर वो कहते हैं कि तुम कौन से रूप में मुझे देखना चाहते हो। तो फिर मनु और शत्रुपा जी कहते हैं कि जिस रूप में भगवान शिव महादेव स्वयं सदाशिव ने आपको अपने हृदय में धारण किया उसी रूप में आप आइए हमारे सामने। तो कौन सा रूप था वो? हमारे श्री राम और सीता जी के सबसे ऐश्वर्य वाला रूप था। और जब उन्होंने वो वरदान मांगा तो उन्होंने वरदान में ये मांगा कि आप जैसा पुत्र हो, लेकिन अपने हृदय में उन्होंने ये बोला था कि हृदय में ये चाहते थे कि आप ही आए हमारे पुत्र जैसे। तो उन्होंने दोनों वचन पूरे किए। पहले उन्होंने बोला कि मेरे जैसा तो है कोई नहीं, तो मैं स्वयं आ जाऊंगा। और दूसरी उन्होंने ये बात सुनी कि आप जैसा कोई, तो अपने विष्णु तत्व में भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी अवतरित किया, साथ लेके आए अपने पुत्र जैसे। तो ये सबसे फेवरेट स्टोरी है मेरी, क्योंकि स्वयं भगवान शिव के हृदय में भगवान का ये रूप है। सो या थैंक यू, हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू। तनीषी, हरे कृष्णा, जय राम जी की एवरीवन। जल्दी जल्दी बोलूंगी।
तो हम जब सब भगवान राम के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सर्वशक्तिशाली, सर्वश्रेष्ठ, सबसे स्ट्रांग एंड पावरफुल। परंतु ये स्ट्रांग एंड पावरफुल सर्वशक्तिशाली भगवान भी एक ही चीज के आज्ञा अधीन हो जाता है, और वो है अपने भक्तों के, भक्त के प्रेम। उन्होंने अपने भक्त से जो जो बोला, उन्होंने उनके किसी भक्त उनकी बात नहीं मानी। पहले उन्होंने सीता जी से बोला कि मैं वनवास के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे साथ नहीं आ सकती। पर सीता माता ने जब जिद की तो उनके आगे अधीन हो गए और मान गए। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला, मैं वन जा रहा हूँ, मेरे साथ मत आओ, बहुत कठिन जिंदगी होगी। पर उनके भक्त ने ठान मान ली कि मैं भगवान के साथ चलूंगा, तो भगवान अधीन हो गए, चलो फिर तुम भी। फिर जब केवट के पास पहुंचे, नदी पार जाना था वन की तरफ, तो केवट ने भी ठान ली कि जब तक मैं भगवान के चरण नहीं धोऊंगा, जब तक मैं उनके चरण स्पर्श जल को नहीं ग्रहण करूंगा, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। तो फिर अपने भक्त के अधीन हो गए कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं करूंगा। और यहाँ तक कि जब भरत जी भी उनको लेने आए वन से कि वापस लौट चलो भैया, कहते ना रघुकुल का प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर फिर भी उन्होंने भरत से बोला कि भरत, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं। और यहाँ भक्त की महिमा देखिए, भक्त और भगवान का जो रिलेशनशिप है उससे तो सुंदर कुछ है ही नहीं। यहाँ भक्त समझ गए, जो सच्चा भक्त है वो समझ गए कि मैं तो अपने फायदा करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए भगवान को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, परंतु तो भक्त का कर्तव्य होता है भगवान की सेवा करना। तब उन्होंने बोला कि भगवान आप अपना वचन पूर्ण करिए, मैं आपकी जगह, आपके सिंहासन को, आपके देश का चलन करूंगा, परंतु आप 14 साल बाद वापस आना, एक दिन के भी डिले हुआ तो फिर मैं प्राण त्याग दूंगा। तो यही है भगवान की महिमा। हम कहते हैं वो करुणामय है, वो कृपालु है, वो दीन दयाल है। ये सर्वश्रेष्ठ भगवान भी, जो किस राक्षस का वध नहीं किया उन्होंने, पर वो भी अपने छोटे से छोटे भक्त के सामने एकदम आधीन हो जाता है। और यही भगवान का चरित्र का सार है। तो थैंक यू सुनील शेरदार। श्री रामचंद्र की जय, सीताराम भगवान की जय। थैंक यू सो मच, दैट नाइस। हरे कृष्णा। एंड आई थैंक एवरीबॉडी, आज इधर आने के लिए बहुत भक्त इधर हैं, और जो लोग जूम में हैं, थैंक यू फॉर मेकिंग इट। भगवान का महिमा धीरे धीरे नवम नवम, हर बार जब सुनते हैं नया नया दिखता है, और सुनने के लिए और इतना स्वाद उसमें है। तो आइए कल भी, जिनके पास भी समय है, कल भी हम सिद्धि कम्युनिटी हॉल में रामायण और राम के बारे में ही बात करेंगे। जिनके पास समय है कृपया उधर आकर ज्वाइन करें हमारे साथ। धन्यवाद। सब साथ में बोलिए, कैन यू प्लीज माइक ऑन। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।